वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा शीना, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए उसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हो। टीना, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। और वो क्या वो भी मोहब्बत करता है तुमसे? हाँ, वो करता है मुझसे मोहब्बत, बस मजबूर है। मजबूर? कैसा मजबूर है? एक बीवी के होते हुए उसने इतने अरसे से तुमसे चक्कर चलाया हुआ है, तब उसकी मजबूरी कहाँ थी? हाँ, बकौल तुम्हारे कि दोनों मियां बीवी में नहीं बनती, एक कॉम्प्रोमाइज का रिश्ता है। हाँ, वो छोड़ देगा उसे, तो ये तो उसका प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा तो नहीं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि उससे तुम्हारी जरूरत है, तो कॉम्प्रोमाइज भी उसी को करना चाहिए ना। इस बात का फैसला तो तुम्हें करना है ना कि तुम धोखा किसको दे रहे हो, मुझे या अपनी बीवी को। मुझे लगता है शीना कि मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूं। एक तरफ एक ऐसी औरत मेरे गले पड़ गई है जिसके साथ 10 मिनट भी बैठ जाऊं तो तुम घुटने लगता। एक तरफ तुम, इसके साथ 10 घंटे भी गुजर जाएं तो लगता है कि अभी 10 मिनट ही हुए। सोच लो, दो कश्तियों के सवार पार नहीं लगा करते। इस बात का फैसला मैं बहुत पहले ही कर लेता, लेकिन बच्चों की वजह से 10 मिनट में दम घुटने लगता है। सरफ़राज, ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगती? शीना प्लीज, मुझे मेरी पिछली जिंदगी का ताना तो मत दो। मेरे आज पर यकीन करो, इस वक्त मैं तुमसे जो कुछ भी कह रहा हूं यही मेरी जिंदगी का सच है। मैं बहुत जल्द इस औरत से पीछा छुड़ा लूंगा और उसके बच्चों से भी, लेकिन प्लीज इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, मेरी जान, प्लीज ट्रस्ट मी। चलो एक बाइट मेरे हाथ से भी। हा?